हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ नम्रता और आप देख रहे हैं जेज वर्ल्ड। सो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक सॉफ्ट सटल सा वैलेंटाइंस डे लुक। सो शेयर करेंगे आपके साथ पूरा वीडियो, बट उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप बस वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप अगर सब्सक्राइब करोगे ना तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मोटिवेशनल चीज़ हो जाएगा। मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगी, जिससे मुझे और भी नया नया वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने में अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो बिना देर के चली चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर मैंने कर लिया है अपने स्किन को प्रेप, क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और अब करेंगे मेकअप का स्टेप स्टार्ट। सो पहले मैं ले रही हूँ प्राइमर। ये है PSE पैक का ज़ीरो सेपरेशन प्राइमर। ये है जेल प्राइमर। सो ये थोड़ा सा लेकर अपने ओपन पोर्स में लगाएंगे और अच्छे से पैट करेंगे, और फिर जो लेफ्ट ओवर होगा वो पूरे फेस में मैं लगा लूँगी। तो एक क्वांटिटी में लेकर पूरे फेस में लगा लेंगे, एक्चुअली ओपन पोर्स में लगाएंगे जहाँ जहाँ आपका ओपन पोर्स है, ताकि वो जो ओपन पोर है वो ब्लॉक हो जाए, ताकि जो मेकअप है वो आराम से आपके फेस में कवर कर लें। अब यूज़ कर रही हूँ मैं कलर एसेंस का। ये है पैन स्टिक। मेरा शेड है 01। सो आप अपने शेड के अकॉर्डिंगली यूज़ कीजिएगा। ये आप देख सकते हो मेरे पूरे स्किन से मैच कर रहा था, तो मैंने ये शेड लिया। आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करिएगा आपका जो भी शेड होगा। सो ये पूरे फेस में लगा के मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं या फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसे पूरे फेस में लगा लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी, ताकि आराम से ये मिक्स हो जाए। अपने नेक एरिया को ना भूलें, वरना कलर जो है वो इधर उधर हो जाएगा। आपके ईयर और अपने नेक एरिया को बिल्कुल भी ना भूलें जब भी आप फाउंडेशन या पैन स्टिक या कुछ भी अपने फेस में अप्लाई करते हो। तो लेंगे फिट मी का कंसीलर। ये 10 लाइट शेड है, और ये अपने हायर पॉइंट्स में लगा लेंगे फॉर हाईलाइटिंग, क्योंकि जो पैन स्टिक जो मैंने यूज़ किया था वो फुल कवरेज है, तो मुझे ये आराम से कवर अप कर देगा जो थोड़ा मोड़ा बचा भी होगा। तो जहाँ जहाँ काला ब्लैक स्पॉट्स है आपका, काला स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है, वहाँ पर आप लगाएं और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें। अब मैंने लिया है NYBA का कंट्रोल स्टिक। अपने फेस को कंट्रोल करने के लिए, शार्प शेप देने के लिए, ताकि जो डबल चिन है और जो थोड़ा फेस है वो ज़्यादा चब्बी ना लगे, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा चब्बी टाइप है। तो अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब लेंगे हम कंट्रोल स्टिक और अपने नोज़ को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मेरा नोज़ जो है ना वो थोड़ा ब्राउडर साइड में है, तो मुझे नोज़ को कंट्रोल करना पड़ता है, और मैं फिंगर की मदद से ही कंट्रोल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ रादर दैन ब्रश एंड ऑल। सो कंटूरिंग हो गया है। अब इसके बाद ना मैं अब यूज़ करूँगी मैं फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर, और अपने फेस में लगा लूँगी, ताकि मेकअप जो है वो बैठ जाए, सेट हो जाए अच्छी तरीके से। मैं ले रही हूँ ये है मेरा आईब्रो फिलर, और इसी में जेल आईलाइनर भी है, तो मैं ये दोनों यूज़ कर सकती हूँ, बट अभी मैं मोस्टली ये यूज़ करती हूँ फॉर फिलिंग माई आईब्रो। तो आईब्रो को पुल करेंगे ऊपर की तरफ और फिर अच्छे से फिल करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा जब भी आप आईब्रो फिल करते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क होने से ना वो थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में, और लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई किए हैं फेस में, तो वो अच्छा नहीं लगता है। हल्का हल्का करके ही, ज़रा ज़रा से लेकर ही करना है, और जो ब्रश रहता है स्पूली, स्पूली के मदद से इसे अच्छे से सेट कर लेना है।
अब हम लेंगे ये द न्यूड्स से, ये मेबेलिन का है आई शेडो पैलेट। इसमें से वो डार्कर शेड लेंगे और लेके अपने आउटर कॉर्नर से इनर वर्ड्स जाएंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे दोनों आईज में और एक अच्छा सा आई शेडो शेड क्रिएट होगा जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लास्ट में देखोगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये हाइलाइटर है, इसको दिखाना मैं भूल गई थी। ये हाइलाइटर लेके मैं जो अपने फेस में हाइलाइटर लगाऊंगी, लाइक मेरा शैम्पेन शेड है, सो मैं वही लूँगी और लेके अपने आई लिड में लगा लूँगी इनर से मिडल तक, ताकि एक अलग सा अच्छा सा शाइन आए और वो देखने में अच्छा लगे। सो इस तरह से फ्लैट ब्रश की मदद से ये लगाऊँगी, क्योंकि फ्लफी ब्रश से वो नहीं होगा। फ्लैट ब्रश की मदद से हाइलाइटर जो है एज आई शेडो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से ब्रश, फ्लैट ब्रश की मदद से ही इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब ब्रश की मदद से जो आई शेडो फॉल ऑफ हुआ था वो हटा लेंगे, ताकि जो आईज़ के नीचे वाला पार्ट है, अंडर आई है, वो क्लीन लगे। इसके बाद हम लेंगे आई लाइनर और अपने आईज़ में लगा लेंगे। तो मैं ना हमेशा बड़ा स्टिक वाला यूज़ करती हूँ, और अभी ना मेरे पास छोटा स्टिक वाला है, मुझे इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो मैं लगा के फिर मिलती हूँ। तो मैंने दोनों आईज़ में लगा लिया है आईलाइनर और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ काजल। काजल लगाने के बाद ये मैं ले रही हूँ मार्स का मस्करा, ये अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जब तक मैं नया नहीं खरीद रही हूँ। सो मस्करा लगा लेंगे और उसको आराम से लगाएंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ लगाना है, क्योंकि इससे आईज़ जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम लेंगे ब्लश। सो मेरे पास है एन वाई ब्लेक का ब्लश, जो हाई पॉइंट है वहाँ पर लगा लेंगे। हल्का हल्का करके ही ब्लश लगाइएगा, एक बार में ज़्यादा ना ले, ज़रा ज़रा सा करके आपको बिल्ड करना है, आप बिल्ड कर सकते हो, बट एक बार में बहुत ज़्यादा ब्लश ना ले, वरना जोकर जैसा चिक्स लगता है देखने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हल्का हल्का लेकर ही मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ज़रा सा नोज़ के ऊपर भी लगा लूँगी, ताकि एक फ्रेश लुक जैसा इफ़ेक्ट आए। सो अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ हाइलाइटर और हाइलाइट कर लूँगी। अगर आप भी मेरे तरह हो जिससे फ़ैन ब्रश बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है कि मुझे मोटा ब्रश चाहिए, फ्लफी ब्रश चाहिए जब भी मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मुझे उसी से ही सेटिस्फैक्शन होता है। ये फैन ब्रश से मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो देख रहे हो लास्ट में मैंने वो ले ही लिया और लेके आराम से पूरे फेस में फ्लफी ब्रश की मदद से हाइलाइटर लगा लूँगी। मुझे ना सेटिस्फैक्शन इसी से ही आता है, पता नहीं क्यों। अब लिप लाइनर लेंगे और लिप को लाइन कर लेंगे, और मैं ना यहाँ पर लिपस्टिक नहीं यूज़ करी, मतलब थोड़ा सा यूज़ करूँगी बस, हल्का सा, बट लिप लाइनर ही मैं यूज़ करी, क्योंकि ये कलर जो था मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस ड्रेस के साथ और इस लुक के साथ। और ये हल्का सा ही मैं माई ग्लैम का लिपस्टिक ले रही हूँ और हल्का सा इनर वर्ड में टैप टैप करके बस मिक्स कर ले रही हूँ, और फिर ये हो गया मेरा लुक कम्प्लीट। Feeling
stood out cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer, I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियोस है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. लव यू ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.